आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं आरओ 2021 का सिलेबस और उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें प्री में दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों हिंदी का। दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पहले पेपर में क्या क्या किससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं, भारत का इतिहास होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, भारतीय राजतंत्र व्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन बनते हैं, जनसंख्या पर्यावरण नवीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी कि करेंट अफेयर्स से, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, और कुछ मैथ से भी क्वेश्चन होते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति यानी कि उत्तर प्रदेश के जीके से क्वेश्चन बनते हैं, और इतनी टॉपिक है दोस्तों। अगर सामान्य अध्ययन इतना पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी होती है, जिसमें 6 चैप्टर हैं, विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द है, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द है। ये 6 चैप्टर से ही आरओ में क्वेश्चन 60 बनते हैं दोस्तों, जो हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके लिए आप विचार कर रहे हैं कि कौन सी बुक ली जाए और आप संशय में हैं, अगर आपके पास बुक भी है, क्या कोई ऐसी बुक है जिसे पढ़ लेने से इसमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं और प्री क्वालिफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए बुक है दोस्तों घटना चक्र की, जो बहुत ही बेस्ट तरीके से दी गई है, केवल इसी के लिए स्पेशल आती है। उसे ज़रूर आप खरीदें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। दोस्तों घटना चक्र की बुक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर चैप्टर में मिलेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट उसी बुक में दिया रहेगा, जहां से आप आसानी से उसे अपना चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरी तैयारी है। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों घटना चक्र की, जिसमें केवल आपको 6 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगी, और इसे बार बार पढ़ें, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। आप हिंदी में 55 से ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं इस बुक को पढ़ के दोस्तों।